एक जगह पर वो आपके लिए सरप्राइज है। हम हो गए हैं जी काफ़ी ज़्यादा लेट, तो हो सकता है वहाँ जाते जाते हमें अंधेरा हो जाए, तो आपको हम अच्छी तरह से लोकेशन दिखा ना सके। हमारे ये फैकल भाई हैं। हेलो भाई। किस बंदे की वजह से हुए हैं जी लेट, और ये है गाड़ी चला रहे हैं हमारे राणा साहब हैं जी। हम बाइकों भी जा रहे हैं और हमारे पीछे भी लड़के हैं बाइकों भी। मिलते हैं जी वहाँ जाकर। यार रुके थे हम लोग पेट्रोल डलवाने, यहाँ से पेट्रोल डलाया तो यहाँ से निकलते हैं जी अभी। तो फाइनली जी हम पहुँच गए हैं यहाँ धाबी जी, ये तकरीबन हैदराबाद के करीब है, छठा के करीब है। छठा गारों के पीछे आप देख सकते हैं पूरा अंधेरा है, यहाँ सारे खेत हैं और बड़ा अच्छा माहौल है, वो आपको हम दिखाएंगे जी सुबह। तो अभी चल रहा है जी खाना, तो वो आपको दिखाते हैं जी, बड़े मजे का खाना है। तो ये है जी हमारे पास देसी मुर्गा, तो ये जी फार्मी नहीं है, जो वो कराची में कहते हैं जी ये ऐसा है और वैसा है, ठीक है, ये जी बिल्कुल प्योर देसी मुर्गा है। और यहाँ जी मछली ख़त्म हो चुकी है, और ये मछली है जी, ये भी हमने यहाँ से ही पकड़ी है और यहाँ ही पका रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश मछली है। और बाकी ये हमने रखे हुए हैं जी खीरे, बाकी ये सारे हमारे यार दोस्त बैठे हुए हैं जी, तो यहाँ कर रहे हैं जी हम लोग इंजॉय। तो बाकी आपको सारा माहौल दिखाएंगे जी हम सुबह में। तो जी अभी हम जा रहे हैं थोड़ा बाहर, रात का टाइम है, तो ये यहाँ पर ये औजार लेके जाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी निकल रहे हैं जी हम थोड़ा सा रात में, तो हो सकता है आपको इसके बाद की वीडियो अब सुबह ही हम मिले आपको, तो मिलते हैं आपसे। अभी रात का ही टाइम है तो हम यहाँ ट्रैक्टर पे बैठे हुए हैं, तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है जी ट्रैक्टर, तो मैंने कहा एक रात का आपको व्यू दिखाएं, बाकी सुबह भी इस पे दिखाएंगे जी आपको व्यू। अभी जी तकरीबन रात के बन गए हैं 3, तो यहाँ भाई चला रहे थे ट्रैक्टर, तो हम लोग आ गए हैं इसको देखने के लिए। तो भाई को बोला है कि भाई चलानी, आपकी ट्रैक्टर नहीं चलाना आता, तो आप हमें दिखाएं थोड़ा, और अभी मैं चलाऊंगा ट्रैक्टर और आपको दिखाती है जी। जी अभी मैं बैठ गया हूँ स्टीयरिंग पे, तो चला रहा हूँ जी ट्रैक्टर, तो देखते हैं जी अब चलता है या नहीं, तो ये भी एक्सपीरियंस करते हैं। अभी फैसल भाई बनाएंगे जी हमारी वीडियो। तो मेरा कैमरा मैन का प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने खुद ही कैमरा पकड़ लिया, चलाते हैं जी ट्रैक्टर। तो जी ये हमारे भाई हैं, जिन्होंने हमें मौका दिया है ट्रैक्टर चलाने का, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका। The next day. तो गुड मॉर्निंग जी, तो अभी उठ गए हम लोग और अभी हम निकले हैं जी जरा थोड़ा खेतों की तरफ। तो अभी जाएंगे जी हम सब्जियां तोड़ने, और जहां पे हम रात को सोए थे वो भी जगह आपको दिखाते हैं जी। और ये सारी लगी हुई है कि इसको क्या बोलते हैं फैसल, मकई, ये मकई है सारी, और दूर से आपको दिखाता हूँ जहाँ हम रात को लेटे हुए थे। ये थी जी रात को हमारे सोने की जगह, ये देख सकते हैं आप। ये सारा सोलर पैनल लगा हुआ है पीछे, जिससे यहाँ पे वो पीछे मोटर चलती है और यहाँ फसलों को पानी दिया जाता है जी। तो वहाँ से मोटर चलती है जी, तो पानी यहाँ आता है और यहाँ से इस तालाब में आता है और यहाँ से जाता है जी आगे फसलों में। देखिए जी क्या खूबसूरत नज़ारा है।
तो ये हमारे सारे यार दोस्त हम लोग आए हुए थे, ये हमारे सलीम भाई हैं और चले चले और ये है जी हमारे बग्गा भैया जिनकी सारी फसलें हैं, तो इनके पास हम लोग आए हुए हैं जी। ये देखें जी यहाँ चल गई है जी मोटर, बोर मोटर, तो बोर चल रहा है, ये बोर चल गया जी यहाँ पे। तो ये देखें जी अभी धूप कम है, सोलर पे चल रहा है, तो जैसे ही धूप तेज होगी तो फिर ये चलेगा जी सही तरह से। तो ये लगी है जी गवार फली, तो ये देखें जी तोड़ रहे हैं सब, ये पूरा खेत है जी। जी ये तो बहुत मुश्किल काम है तोड़ना, खाना बहुत आसान है, एक 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 ये देखें जी एक 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 करके तोड़नी पड़ती है और बहुत टाइम लग रहा है जी इसमें। अभी हमने आधा थैला भी नहीं भरा और तकरीबन एक घंटा हो गया हमें, तो मुश्किल काम है। तो अभी हम जाएंगे वहाँ, लौकी और तुरई लगी है वो भी तोड़ेंगे जी जाके। ये सारी लौकी है जी, ये सारी लौकी लगी हुई है यहाँ पे, ये देखें ये सारा लौकी का खेत है। तो देख सकते हैं धूप भी बहुत है, गर्मी भी बहुत है, लेकिन यहाँ पर गर्मी का एहसास नहीं हो रहा, हवा बहुत ज़बरदस्त चल रही है, ठंडी ठंडी हवा, बहुत मज़ा आ रहा है जी यहाँ पे। ये आपको और भी दिखाते हैं जी, और ये जो पीछे सारा खेत है ये सारा कपास है, कपास बोले तो रुई। यहाँ लगी हुई है सारी तुरई, सारी तुरई लगी हुई है इधर। फैसल साहब तोड़ रहे हैं, फैसल साहब एंजॉय कर रहे हैं आप। और ये हमारे हाजी साहब है, ये सारे खेत इनके हैं यहाँ पे। तो जी अभी हम यहाँ आ गए हैं पपीते के खेत में, छोटे छोटे पौधे हैं और पपीता, क्या पपीता लगा हुआ है, लेकिन अफसोस कि अभी पके हुए नहीं है, कच्चे हैं सारे, दिखाते हैं आपको। ये देखें जी छोटा सा दरख्त है और इस पर पपीता कितना लगा हुआ है, ये देखें जी, ये देखें कितना बड़ा बड़ा पपीता है, लेकिन अभी कच्चा है, ये देखें छोटे छोटे दरख्त हैं और पपीता भरा हुआ है, ये देखें। ये हमारे फैसल भाई चले गए हैं जी तालाब में, हमने बोला भाई तू इधर ने नहा ले आराम सुकून से, बोला नहीं मैंने इधर नहाना है। अभी हम बैठे हुए थे यहाँ पे छाँव में और आप देख सकते हैं जी कैसी हवा चल रही है ज़बरदस्त किस्म की, तो पीछे दरख्त देख रहे हैं कैसे हिल रहा है और बड़ा मज़ा आ रहा है। और इधर हमारे सलीम साहब बैठे हुए हैं, राणा साहब, फैसल साहब हैं, और ये हैं हमारे भाई जिन बग्गा भाई, जिनकी मोहब्बत है कि हम यहाँ पर आए हुए हैं, और चन्नू भाई का बंदा, ये हमारे चन्नू भाई हैं, चन्नू भाई, चन्नू ठाकुर कर रहे हैं जी यहाँ खूब तफरी इंजॉय। तो अभी गर्मी मुझे थोड़ी सी लग रही थी तो मैंने कहा क्यों ना नहाया जाए, तो अभी मैं जा रहा हूँ जी नहाने। तो अभी जी मैं नहा रहा हूँ तो पानी बहुत ठंडा है जी, गर्मी में इतना ठंडा पानी है। पानी पाना सही उच्चा ना थोड़ा पाए जी, पानी के अंदर पानी की लग गई थी प्यास, तो मैंने कहा पानी पिया जाए पहले। ये देखें जी गिरगिट है, यहाँ पे दो गिरगिट है, एक ये है और एक ये है।
गजब बेइज्जती है। तो ये देखो जी, हमारे फैसल भाई ने पकड़ लिया। मैंने कहा था ना, एक गिरगट ने दूसरे गिरगट को पकड़ लिया। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों नाल डील करना होता। काम काम दे गए इसके जी। अबे छोड़ दे, काट लेगा। भाई सब बोल रहे हैं इसको छोड़ दे छोड़ दे, लेकिन छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ राणा साहब, एनुआ को छोड़ दे यार। चले वड ले रहे तो ये जी इन्होंने यहाँ रखा हुआ है जी डॉग, बहुत प्यारा डॉग है। और ये रात को भी हम जहाँ जहाँ जाते रहे ये हमारे साथ साथ रहा है यहाँ, और ये इस एरिया में ये किसी को नहीं आने देता। ये वाह वाह जबरदस्त हो गया। ये हमारे बग्गा भाई का है जी डॉग, लवर डॉग, लवर डॉग। ये पूरी समझे कि ये पूरे एरिया की एरिया का चौकीदार है ये। तो जी अभी देखें तालाब भर गया, तो यहाँ से अभी इन्होंने छोड़ दिया पानी। ये अब जा रहा है जी सारा पानी खेतों में, सब्जियों को लग रहा है, और ये सामने जो लगे हुए हैं सब चीज़ें इनको लग रहा है पानी। तो जी अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, बहुत नहाया जी, और इतनी गर्मी में मुझे तो ठंड लग रही थी, मैं तो धूप फेंक रहा था। तो बस जी अभी निकल रहे हैं, और बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत मज़ा आया जी मुलाकात करने, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मज़ा आया। मिलते हैं जी आप इंशाल्लाह दोबारा। ओके जी। तो जी रात को भी हम इसी रास्ते से आए थे, अभी हम जा रहे हैं, तो रात को आपको अंधेरे में दिखा नहीं सके रास्ता, तो रास्ता आपको दिखाते हैं जी, कितना डेंजरस रास्ता ही है, तो सारा जंगल ही जंगल है जी ये दिखाते हैं। जाती है जी ट्रेन, तो सामने खड़ी हुई है जी माल गाड़ी। लेकिन अब मेरी खाना भी यहाँ रास्ते में रुके हैं, खाना पीना कर रहे हैं। यहाँ हमने मंगाई है जी दाल बाश और चने, साथ में रोटी है जी, खाते हैं और निकलते हैं फिर यहाँ से। तो जी मैं पहुँच गया हूँ घर, राम का शुक्र है। तो अभी मैं ज़रा नहाया धोया हूँ, फ्रेश हुआ हूँ, और सब्ज़ी भी ले आया है जी सारी, देखें जी सारी सब्ज़ी वहाँ से तोड़ के लाया है। तो प्यार से कहते हैं जी मुझे काका, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा।